नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। लिविंग हैप्पली में आज नई श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। मित्रों, लिविंग हैप्पली का हमेशा यह प्रयास रहा है कि आपको आनंदमय रखने के लिए हर कुछ सुनिश्चित कर दिया जाए, चाहे वह हमारे पोषण से हो, स्वास्थ्य से हो, व्यायाम से हो, योगा से हो। तो आज इस नई श्रृंखला में हम फलों के पोषण तथ्य यानी कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स ऑफ फ्रूट्स, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की फलों के बारे में हम बारी बारी से उनके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो आज हम अवगत कराने जा रहे हैं मित्रों, यह एक स्वादिष्ट है, पोषक तत्वों से भरपूर है, स्वादिष्ट तो है ही और इसके साथ ही यह बहुमुखी है, शक्तिशाली है, एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव से भरा पड़ा है, यानी कि डिलीशियस है, लोडेड विथ न्यूट्रिएंट्स है और हमारे लिए ये वर्सेटाइल है। मित्रों, यह कुछ और नहीं बल्कि एलोइस ऑरेंज कलर का है और पूरे वर्ष भर भरे रहते हैं। मित्रों, जिन्हें कि किंग ऑफ फ्रूट का किताब दिया गया है मित्रों WHO के द्वारा। तो कौन है वह, चलिए इसके लिए हम एक और पहेली कर लेते हैं। आप ही बताइए मित्रों कि आपके कौन फेवरेट हैं, पापा या माँ। चलिए किडिंग छोड़िए, यह कुछ और नहीं बल्कि किंग ऑफ फ्रूट्स पापाया। पापाया माँ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ पापाया, क्योंकि माँ को तो हम किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते मित्रों। तो इसीलिए माँ को एक उच्च स्थान पर बैठा दीजिए और पापाया ले लीजिए। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं इस एपिसोड में पापाया के बारे में। मित्रों, जैसा कि हमने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका चुनाव किया गया है। यह दूसरे वर्ष है जिसमें इसे सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में माना गया है। मित्रों, हम सब देख रहे हैं हमारे आसपास लोकल मार्केट में आज के समय में अगर देखा जाए तो 25-35 रुपीज केजी द बेस्ट पपाया मिल रहा है, यानी कि ये बड़ा ही सस्ता है। आइए हम इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को जानते हैं। तो यह बाकी सभी फलों के जैसा ही है मित्रों, हेल्दी तो है ही और इसे हमें बैलेंस्ड डाइट के रूप में लेना है मित्रों। यानी कि आप यह भूल मत कीजिए कि पपाया बड़ा ही न्यूट्रिशनल है तो इसे ही खा के हम किसी एक मील को इक्वल कर लें, यह गलती आप मत कीजिए, क्योंकि इसमें रिलेटिवली बहुत ही कम कैलोरी होती है जैसा कि किसी भी फल के साथ होता है। तो आपको एक संतुलित आहार का भाग बनाना है इसमें। इसमें अगर हम बात की जाए फैक्ट्स की, न्यूट्रिशनल फैक्ट का प्रमुखता, तो एक स्मॉल पपाया को आप ले लीजिए जो कि ऑलमोस्ट 200 ग्राम का ले लीजिए, तो इसमें 85 कैलोरी यानी कि 45% कैलोरी है। कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम है, प्रोटीन 1.5 ग्राम है, पोटेशियम 11% ऑफ द RDI होता है और 4 ग्राम डाइट्री फाइबर है जो कि 10% के करीब होता है। 31 मिलीग्राम कैल्शियम है यानी कि 3.1%, 33 mg मैग्नीशियम है जो कि 8% हो रहा है, 286 mg पोटेशियम हो रहे हैं जो 6% हो रहे हैं, 0.13 mg जिंक है मित्रों जो कि 0.9% हो रहे हैं, 95 mg हो रहे हैं विटामिन सी जो कि 100% में इन्हें निकाल लीजिए, 58 माइक्रोग्राम MCG फोलेट है मित्रों जो कि 14.5% हो रहे हैं, और 1492 इंटरनेशनल यूनिट जो विटामिन ए का है 30% करीब आ रहे हैं, और 0.47 mg विटामिन ई है जो कि 2.4% आ रहे हैं। इसके साथ ही 4.1 mcg जो है विटामिन के हैं जो 5.1% हो रहे हैं, और कुछ मात्रा में विटामिन B1, B3, B5 है। तो अब इनके थोड़ी सी गहराई में जाते हैं मित्रों, इनके सारे न्यूट्रिशनल फैक्ट को, इनका चुनाव आखिर हुआ क्यों। तो इनका चुनाव इस कारण से हुआ किंग के रूप में क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड होते हैं मित्रों। ये कैरोटीनॉइड क्या करते हैं, हमारे एंटी ऑक्सीडेंट जो हैं ये हमारे कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं, वो इसमें पाया जाता है। और यही एंटीऑक्सीडेंट जो है कैरोटीनॉइड, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसमें होते क्या है मित्रों, इसमें प्रमुखतः प्रो विटामिन ए है जो कैरोटीनॉइड ये कन्वर्ट करते हैं विटामिन ए में,
और वह क्यों जरूरी होता है? तो हमारे ग्रोथ के लिए, इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए, हमारे आंख के हेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और लाइकोपीन भी होते हैं, बीटा कैरोटीन होते हैं, ल्यूटीन और जक्साथिमिन, ये सब होते हैं मित्रों। इसके साथ ही करीब 2000 टाइम्स इसमें कीवी फ्रूट से, अगर आप बाकी फलों से कंपेयर कर लीजिए, 2000 टाइम्स ज़्यादा इसमें होते हैं कीवी फ्रूट से, एप्पल से, चेरी से, पाइनएप्पल से, बनाना से और ग्वावा से, जिसमें कि ये सब इंग्रेडिएंट्स होते तो हैं लेकिन ये इतना ज़्यादा है। अगला है मित्रों विटामिन सी। हम सब विटामिन सी नाम सुनते ही हमारा जीव स्पाइसी हो जाते हैं। यह विटामिन सी का कार्य क्या होता है मित्रों? सबसे पहले तो यही जान लीजिए, इसका भूमिका हमारे शरीर के विकास के लिए है, वृद्धि के लिए है और हमारे सेल्स के, टिश्यू के रिपेयर के लिए है, जनरेशन के लिए है, रीजनरेशन के लिए, जो कि हमारे संपूर्ण शरीर में यह कारगर होता है मित्रों। यह बनाता है एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो कि हमारे त्वचा को बनाने में, टेंडन को, लिगामेंट को, ब्लड वेसल को, ये सब को बनाता भी है और उन्हें मेंटेन करता है। अगर कभी घाव हो गया मित्रों और टिश्यू डैमेज हो गया, उन्हें भी रीजेनरेट कराता है, रिपेयर करता है यह विटामिन सी। अब अगर दूसरे फलों से, क्योंकि यह राजा बना है तो दूसरे फल से कंपटीशन करना ही पड़ा होगा, तो अगर दूसरे फल से कंपेयर करते हैं तो एप्पल से 13 टाइम्स ज़्यादा इसमें विटामिन सी है, 7 टाइम्स बनाना से ज़्यादा, 7 टाइम्स वाटरमेलन से, इसका स्वाद वाटरमेलन से काफ़ी आप मिलता जुलता कह सकते हैं, 8 टाइम्स चेरी से ज़्यादा और 1.3 टाइम्स है पाइनएप्पल से ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं कि कितना इनरिच्ड है विटामिन सी पपाया में। अगला आता है मित्रों विटामिन ए। अगर विटामिन ए की भूमिका की बात करें कि हमारे मानव शरीर में या किस तरह से हमें लाभ पहुंचाता है, तो यह बनाता है और उसे मेंटेन भी करता है हमारे टीथ को हेल्दी रखने में, हमारे स्कल्टल जो स्ट्रक्चर हैं, जो बोन है, स्पाइन है, उनके लिए, और इसके साथ ही हमारे सॉफ्ट टिश्यू को, म्यूकस मेम्ब्रेन को और त्वचा को भी बनाने में विटामिन ए काम आते हैं मित्रों। विटामिन ए को एक रेटिनॉल भी कहते हैं क्योंकि यही पिगमेंट्स बनाते हैं हमारे रेटिना ऑफ द आईज में, और हमारे गुड आईसाइट, अगर अच्छा रोशनी चाहिए मित्रों, दृष्टि चाहिए, तो आपको विटामिन ए पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशली कम प्रकाश में भी यह विटामिन ए ही हमें सक्षम बनाता है हमारी दृष्टि को बेहतर बनाने में। अब दूसरे फल से भी कंपेयर कर लेते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा है मित्रों कीवी फ्रूट से, और 18 टाइम्स ज़्यादा है एप्पल से, और 1.5 टाइम्स ज़्यादा है बनाना से, और 1.5 टाइम्स ही ज़्यादा है वाटरमेलन से, और 15 टाइम्स ज़्यादा है चेरी से, और 16 टाइम्स ज़्यादा है पाइनएप्पल से। तो ये सब इसके कंपटीटर थे जिससे बहुत आगे निकल के यह किंग का खिताब लिया। अगला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करने जा रहे हैं मित्रों, जो कि विटामिन के है। यह विटामिन के क्या है मित्रों? यह एक संग्रह है, ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिनकी की अहम भूमिका होती है हमारे ब्लड क्लॉटिंग के, यानी कि कभी कट गए, छिल गए, चोट लग गए, तो उन्हें क्लॉट कराने में, थक्का रक्त को रोकने में, फर्दर रोकने में मदद करता है। इसके साथ ही हमारे बोन मेटाबॉलिज्म जो है मित्रों, उसमें काम आता है, हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में काम करते हैं विटामिन के। इसके साथ ही हमारे शरीर को विटामिन के चाहिए किस लिए मित्रों? तो यह बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है यह भी जान लीजिए। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं, और वह अहम भूमिका निभाता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में और बोन मेटाबॉलिज्म में। तो अगर आपको विटामिन के की कमी हो गई है, तो अगर कहीं गिर गए, थोड़ा भी कटा, तो ब्लडिंग इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको विटामिन के की मात्रा को सही रखना है। अब दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं, तो 5 टाइम्स ज़्यादा बनाना से है, और 2.5 टाइम्स वाटरमेलन से है, और 4 टाइम्स ज़्यादा पाइनएप्पल से है मित्रों। अब हम अंतिम में बात करने जा रहे हैं, कैल्शियम की प्रचुरता है इसमें मित्रों। अब कैल्शियम हमारे शरीर को किस तरह से लाभकारी होता है यह भी जान लीजिए। तो यह हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है, ताकि आप मजबूत से मजबूत पदार्थों का भी पोषण कर सकें,
और हमारे मसल फंक्शनिंग जो कि अल्टीमेटली हमारे मोटर फंक्शन संपूर्ण दिन का दिनचर्या में काम आता है मित्रों, उसे ही रेगुलेट करता है। इसके साथ ही कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, इन सारे कामों में भी मदद करता है। और सबसे प्रमुख है मित्रों, हमारे हार्ट फंक्शनिंग को यह रेगुलेट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। अब अगर दूसरे फल से कंपेयर करें तो एप्पल से यह सीधा डबल पाया जाता है इसमें मित्रों कैल्शियम। अब आप इतना चीज जान चुके हैं तो यह भी पूछेंगे कि पपाया को खाया कैसे जाए, तो इस पपाया को आप कंप्लीट ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, जबकि हमारा सलाह यह होगा कि इसे आप बैलेंस्ड डाइट एक डिजाइन कीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारे सारे दिन का सबसे बड़ा, सबसे इनरिच्ड होना चाहिए। तो इसे बैलेंस्ड डाइट का एक पार्ट बनाइए, ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं इसे कट करके। एपिटाइजर के रूप में आप, स्टार्टर के रूप में हम लेते हैं, जब भी आप लंच डिनर उसमें आप कुछ स्लाइस इसके ले सकते हैं। इसका सालसा बना सकते हैं, सालसा बनाना आप वीडियो देखते हैं विस्तार, अभी मैं यहाँ कवर नहीं कर पा रहा हूँ। आप स्मूदी बना लीजिए, स्मूदी बना के आप कभी भी बीच में ले लीजिए, चाय कॉफ़ी जो कैफीन ले रहे हैं उसके जगह पर इसका ले लीजिए, या सुबह में ही ले लीजिए। और सलाद तो हमारे डिनर में अवश्य होना चाहिए, वेजिटेबल्स के साथ आप इसको भी ले लीजिए सलाद। मित्रों अब हम इस वीडियो में इस पपाया के लाभ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें, स्पेशली अभी के समय में मित्रों हर कोई बात कर रहा है इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए, ये खाओ वो खाओ, आपको कहीं कुछ नहीं जाना। बाजार में मुझे लगता है आपके लोकल मार्केट में भी वन ऑफ द चीपेस्ट फ्रूट्स ये पपाया होगा मित्रों। तो इसके अनेकानेक लाभ हैं, जो ऑथेंटिक लाभ हैं उन सारे ऑथेंटिकेटेड लाभ को मैं यहाँ एक एक करके बताने जा रहा हूँ। तो अल्जाइमर रोग होने की संभावनाएं काफ़ी घट जाती है मित्रों, क्योंकि यह ब्रेन सेल तक जाके काम करता है, तो बुढ़ापा में अगर ऐसा होने की उम्मीद है तो उसे भी घटा देगा अगर आप नियमित खा रहे हैं। कुछ प्रकार के कैंसर है मित्रों, आजकल हम जान ही रहे हैं कि कोई भी बीमारी हो उसका एंड अप होता है कैंसर में, तो कई प्रकार के ऐसे कैंसर हैं जहाँ की ये मदद पहुँचाता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, कई तरह के जो पैथोजेंस हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हैं उनसे भी हमें ये रक्षा करता है, हमारे हार्ट की रक्षा करता है, हमारे ब्लड शुगर को कम करने में सहायता करता है, क्योंकि इसकी मिठास जो है, मीठापन है, वो आपके नॉर्मल शुगर के क्रेविंग को घटाएगा। कई तरह के सूजन हो जाते हैं हमारे शरीर में मित्रों, इन्फ्लेशन हो जाते हैं, इंटरनल भी कभी एक्सटर्नल भी हो जाते हैं, तो उनसे भी ये लड़ने में हमारी भूमिका निभाती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, आँखों की रक्षा करने में अगर आईसाइट चाहिए बेहतर तो आप पपाया खाइए। हमारे पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है मित्रों, हमारे डाइजेस्टिव पावर को ये एक्टिवेट करता है और बढ़ा। और अगर आप रिजाइन में हैं, अगर एक यात्रा में हैं, वजन घटाना है, वेट लॉस, जैसा कि आज करीब 50% से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ओबेसिटी में या ओवरवेट कैटेगरी में हैं, तो अगर आप इस यात्रा में हैं तो आप इसका नियमित पान कीजिए, जो कि आपको आहार में शामिल करने से हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा ही लो कैलोरी है और बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको दे पा रहा है, तो आपको स्टोमिक को भी फिल वॉल्यूम वाइज कर देगा और कैलोरी लेस होने से बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके बाकी हर जगह को भरपूर देगा। और यह मित्रों एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि मैंने बताया ही, कई तरह की त्वचा को एक्सटर्नल पोल्यूशन के कारण पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, उन सबों से भी यह सुरक्षा देगा मित्रों। तो अंत में हमारा बॉटम लाइन यही होता है क्रस्ट मित्रों, कि ईट लेस मूव मोर, गो इजी ऑन जंक फूड्स। मित्रों थोड़ा ही खाइए और बहुत ज़्यादा सक्रिय रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, और जंक फूड को तो अगर हो सके तो सीधा बाय कर दीजिए। ऐसा खाइए जो कि एक्चुअल फूड है, और कोई भी ऐसा चीज़ है जो प्रोसेस्ड है या शुगर फ्री के नाम से क्लेम किया जा रहा है उसे तो आप ना ही करें तो बेहतर है। भरपूर मात्रा में फल खाइए, ताज़ा फल खाइए, पपीता खाइए, सब्जियाँ खाइए, और फिर लिविंग हैप्पली के साथ हमेशा हैप्पली बने रहिए। इस प्रथम वीडियो में आपने पपाया देखा, अगले वीडियो में हम एक और नए वर्सेटाइल फ्रूट्स के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए
नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।